नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 5। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 5 का हल। तो देखिए, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी, सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि इसमें हमें 3 भाग दिए गए हैं टोटल। पहले भाग में हमें क्या दर्शाना है कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरे में एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी है। तीसरे में एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ए बी सी है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 5 के लिए हमें सबसे पहले तो कोई आकृति नहीं दी गई है, तो यहाँ पर हमने ये आकृति बना लिया है जैसे जैसे हमें प्रश्न में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग। हमें प्रश्न में कहा गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो ये हमने बना लिया। और इसके अलावा हमें कहा गया है कि डी ई और एफ बी सी, सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है, तो ये हमने किया। और इसके अलावा हमने इन सभी मध्य बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इसमें सिद्ध करना है कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए, यहाँ पर इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर रहा हूं। हमें कौन से चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है? ये बी डी ई एफ, इसको हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो चलिए इसको अब हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमें प्रश्न में दिया गया है। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है प्रश्न में कि इसमें हमारा डी ई और एफ ये क्या है, क्रमशः ए बी सी की भुजाओं बी सी, सी ए और तीसरा कौन सा है हमारा ए बी, इसके क्या है ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इनके मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ये हमें दिया गया है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है कि डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी, सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रश्न में हमें 3 भाग में दिए गए हैं, तीनों को हमें सिद्ध करना है। पहले भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि इसमें बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा पहला भाग। और इसके अलावा दूसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर 1/4 है एरिया ऑफ ए बी सी के। और तीसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि इसमें एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ए बी सी है। ठीक है, तो ये 3 चीज हमें सिद्ध करनी है। चलिए अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहला भाग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, प्रमाण। और देखिए, पहले भाग में सबसे पहले हमें ये बी डी ई एफ को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, तो इस त्रिभुज ए बी सी में आप देखेंगे कि जो हमारा ये एफ है, ये इस ए बी का मध्य बिंदु है और ई इस सी ए का मध्य बिंदु है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एफ तथा ई क्रमशः कौन कौन से, ए बी तथा दूसरा कौन सा है ए सी के क्या है ये मध्य बिंदु है। तो इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे कि मध्य बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये एफ और ई इन दोनों भुजाओं ए बी और सी ए के मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो एफ ई है वो समांतर हो जाएगा बी सी के। तथा दूसरी चीज इसमें कि एफ ई जो है वो 1/2 हो जाएगा किसके, बी सी के। ठीक है, ये कैसे होगा इसका रीजन भी हम यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। तो आई होप आपको मध्य बिंदु प्रमेय अभी याद होगा, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है। तो इसलिए यहाँ पर एफ ई समांतर हो गया बी सी के और एफ ई बराबर 1/2 ऑफ बी सी यहाँ पर हमने किया। अब देखिए, यहाँ पर ये तो बात हो गई कि एफ ई समांतर बी सी के है और ये एफ ई आधा है बी सी के। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा एफ ई है वो क्या है, इस बी सी के समांतर है। यानी कि जो ये हमारा बी सी है, इस बी सी की जगह पे हम यहाँ पे बी डी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, बी सी इस एफ ई के समांतर है, इसलिए ये जो हमारा बी डी है ये इस बी सी का ही हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पर हमने बी सी की जगह पे बी डी लिखा। तथा यहाँ पर देखिए कि एफ ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 ऑफ बी सी, यानी बी सी का आधा क्या होगा, ये बी डी हो जाएगा और सी डी भी हो जाएगा।
जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम बीडी लिखेंगे क्योंकि हमें बीडी की जरूरत है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हमारा एफ ई समांतर है बीडी के और एफ ई बराबर है बीडी के, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि कोई भी चतुर्भुज जो हो उसका अगर भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वो चतुर्भुज हमारा क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी यही सेम कंडीशन बन रहा है, ये एफ ई यानी कि ये इसके समांतर है और ये इसके बराबर भी है, तो इसलिए हमारा ये बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि चतुर्भुज बी डी ई एफ की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक युग्म क्या है, इसमें समांतर और इसके अलावा क्या है, ये बराबर भी है। तो यहाँ पर लिख देंगे और बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो इसमें हमारा बी डी ई एफ है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर, और हमने ये पहला भाग इसका सिद्ध किया कि हमारा बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आई होप आपको पहला भाग क्लियर है। अब देखिए इसका दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि जो इसमें एरिया ऑफ डी ई एफ है, यानी कि एरिया ऑफ डी ई एफ, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है, एक बटे चार ऑफ ए बी सी के त्रिभुज के क्षेत्रफल के, यानी कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक चौथाई है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो चतुर्भुजों पर ध्यान दीजिए, एक तो हमारा चतुर्भुज इसमें हो जाएगा ये सी डी एफ ई, ये वाला चतुर्भुज, और दूसरा हमारा हो जाएगा इसमें ये डी ई ए एफ। इन दोनों चतुर्भुजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर समांतर सिद्ध करेंगे। तो जैसा कि हमने ये पहले भाग में यहाँ पर इस वाले चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सीधा ये लिख देंगे कि भाग एक की तरह से यहाँ पर क्या होगा हमारा, कि दो चतुर्भुज जो अभी मैंने बताए, एक तो सी डी एफ ई और दूसरा डी ई ए एफ, ये दोनों भी समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि भाग एक की तरह से सी डी एफ ई तथा दूसरा कौन सा है हमारा इसमें डी ई ए एफ, ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि अगर ये चतुर्भुज हमारा और ये चतुर्भुज दोनों अगर समांतर चतुर्भुज हो गए हैं, इसलिए जैसा कि हमें पता है कि ये हमारा बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में ये जो हमारा एफ डी है ये क्या है, इस चतुर्भुज का विकर्ण है। तो जैसा कि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है, तो इसलिए इस बात को यहां पर हम लिखेंगे। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है तथा इसके अलावा इसमें जो FD है इसका ये क्या है, विकर्ण है, तो इसलिए लिख देंगे FD इसका विकर्ण है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां पर कि अगर FD इसका विकर्ण है, इसलिए इसमें हमारा क्या होगा यहां पर कि जो एरिया ऑफ कौन सा, ये डी ई एफ, ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, इसके, यानी कि एरिया ऑफ बी डी एफ के। तो यहां पर हम लिख देंगे इसलिए एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ बी डी एफ के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आई होप आपको। तो इस तरह से यहाँ पर इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये बराबर क्यों दिखाया है इसका रीजन भी हम दे देंगे यहाँ पर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रीजन, और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण एक का नाम दे देंगे। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा कि देखिए ये जो हमने यहाँ पर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों के क्षेत्रफलों को यहाँ पर हमने बराबर दिखाया है, इसी तरह से ये जो हमारा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के भी बराबर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इसके भी बराबर लिख देंगे, और इसी तरह से ये जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये इसके भी बराबर
बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको यहाँ पर अब हम लिख लेंगे कि इसी तरह से यहाँ पर एरिया ऑफ कौन सा है, ये हमारा डी ई एफ, ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ जो अभी मैंने बताया इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के, यानी कि ए ई एफ के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ई एफ है, और इसको यहाँ से हम समीकरण दो का नाम दे देंगे। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अब हम इसके बराबर लिखेंगे, यानी कि त्रिभुज सी डी ई के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि तथा एरिया ऑफ कौन सा इसमें हमारा, ये डी ई एफ बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ सी डी ई के, और इसको समीकरण तीन का नाम दे देंगे। यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां पर ये तो हमारा हो गया समीकरण एक, ये समीकरण दो और ये समीकरण तीन। तो देखिए यहां पर कि समीकरण एक दो व तीन से यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा कि जो ये एरिया ऑफ डी ई एफ है ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इसके, यानी कि एरिया ऑफ बी डी एफ के, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इसके, यानी कि एरिया ऑफ ए ई एफ के, और ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सी डी ई के, ठीक है। तो ये हमने चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को आपस में यहाँ पर बराबर सिद्ध किया है। अब देखें यहाँ पर कि ये जो हमारे चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हैं ये किसके बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये त्रिभुज प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ये चारों मिलकर ये पूरा यानी कि एबीसी बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ एबीसी बराबर होंगे किसके, इसके, यानी कि एरिया ऑफ डीईएफ प्लस ये एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ ये ए ई एफ प्लस ये हमारा एरिया ऑफ ये सी डी ई के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि इस तरह से ये हमारा एरिया ऑफ ए बी सी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एरिया ऑफ डी ई एफ को तो सेम लिखेंगे, प्लस ये हमारा एरिया ऑफ बी डी एफ ये हमारा किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर कि ये एरिया ऑफ बी डी एफ हमारा इस डी ई एफ के बराबर है, तो इसलिए इसके जगह पे हम एरिया ऑफ डी ई एफ लिख सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ ये ए ई एफ भी हमारा डी ई एफ के बराबर है, तो यहाँ पर भी हम डी ई एफ लिख देंगे, प्लस ये एरिया ऑफ सी डी ई ये भी हमारा डी ई एफ के बराबर है, तो इसको भी हम यहाँ से डी ई एफ लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि ये एरिया ऑफ ए बी सी बराबर ये एरिया ऑफ डी ई एफ ये डी ई एफ, यानी कि ये हमारा डी ई एफ चार बार है, तो यहाँ पर हम चार एरिया ऑफ डी ई एफ लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिखा। अब देखें यहाँ पर कि ये हमारा एरिया ऑफ ये डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसको हम बराबर के एक तरफ रखेंगे, ये चार इसके साथ गुणा में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा एक बटे चार, और ये हमारा एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर हमने ये सिद्ध कर दिया दूसरे भाग में कि एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर एक बटा चार है एरिया ए बी सी के। तो इस तरह से हमारा दूसरा भाग हल हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे भाग की। तो तीसरे भाग में हमें इसमें क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी है, यानी कि इसमें आप देखेंगे कि इस त्रिभुज में हमें एरिया ऑफ बी डी ई एफ इस वाले चतुर्भुज को किसके बराबर सिद्ध करना है, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी के, यानी कि इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधे के, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम यहाँ से करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले कि जैसा कि हमें पता है कि एरिया ऑफ बी डी ई एफ ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कि ये हमारा जो चतुर्भुज है बी डी ई एफ ये दो त्रिभुजों से मिलकर बना है, एक तो त्रिभुज हमारा ये बी डी एफ और एक ये डी ई एफ, तो इस पूरे चतुर्भुज के बराबर में हम इन दोनों त्रिभुजों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही करेंगे कि एरिया ऑफ बी डी ई एफ बराबर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ, ठीक है। ये हमने दोनों त्रिभुजों के बराबर में इसको लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि एरिया ऑफ बी डी एफ ये जो हमारा एरिया ऑफ बी डी एफ है ये आप देखेंगे यहाँ पर इस वाले पहले समीकरण में कि एरिया ऑफ बी डी एफ किसके बराबर है, एरिया ऑफ डी ई एफ के। तो इसलिए यहाँ पर हम एरिया ऑफ बी डी एफ की जगह पे एरिया ऑफ डी ई एफ को लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे कि एरिया ऑफ बी डी एफ की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस इसको हम सेम लिख देंगे एरिया ऑफ डी ई एफ।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ कितना हो गया, दो एरिया ऑफ डी ई एफ, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण चार का नाम दे देंगे, जो हमने दूसरे भाग में यहाँ पर सिद्ध किया है इसको समीकरण चार का नाम दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा क्या होगा कि समीकरण चार से यहाँ पर देखिए कि जो हमारा इसमें दो है, दो को तो सेम लिख देंगे, और यहाँ पर ये देखिए एरिया ऑफ डी ई एफ, ये एरिया ऑफ डी ई एफ किसके बराबर, एक बटे चार एरिया ऑफ ए बी सी के, तो इसकी जगह पे अब हम ये लिख सकते हैं एक बटे चार एरिया ऑफ ये ए बी सी, ठीक है। तो देखिए यहां से ये दो एकम दो, दो दुना चार, ये कट गया हमारा, तो यहां पर हमारा क्या बचा, ये एक बटा दो, और ये हमारा यहां से एरिया ऑफ ए बी सी, और इसके बराबर में क्या इधर एरिया ऑफ बी डी ई एफ, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये तीसरे भाग में यहां पर सिद्ध किया कि एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रश्न नंबर 5 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रश्न का हल काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।